नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल। तो दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी वीज में आप कवर्ड कॉल कैसे कर सकते हैं, यानी कि निफ्टी वीज के साथ आप कवर्ड कॉल कैसे कर सकते हैं, कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और कैसे एक आप मंथली रेंटल इनकम जो है जनरेट कर सकते हैं, यानी कि उससे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, ये सारी विधि जो है मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बीच में स्किप करके बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि अगर आप बीच में स्किप करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे, कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक कर देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का घंटा है उसको ज़रूर हिट कर दें, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपके पास तक पहुँचता रहे। तो देखिए दोस्तों, ये निफ्टी वीज ये एक ETF है जो एक्सचेंज में ट्रेड होता है, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी है ये। तो ये बिल्कुल एक्सचेंज में ट्रेड होता है, आप इसको शेयर की तरह बाय सेल कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल वीडियो एक चैनल पर अवेलेबल है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो देख लीजिए। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ये जो है निफ्टी वीज के इंडेक्स पर आधारित है और बिल्कुल वैसे ही इंडेक्स की तरह ही ये जो है रिलेट करता है इंडेक्स से बिल्कुल, और इंडेक्स की तरह ही ये जो है काम करता है, यानी कि इंडेक्स जितने परसेंट ऊपर जाएगा उतने प्रतिशत ये भी अप जाएगा, अगर इंडेक्स डाउन जाएगा तो ये भी डाउन जाएगा, वो अप जाएगा तो ये भी अप जाएगा। तो दोस्तों, ये है क्या, ये जो है ना, अभी आप निफ्टी की जो वैल्यू देखेंगे, यानी कि निफ्टी का जो प्राइस है इस समय, निफ्टी का जो इंडेक्स है वो लगभग ट्रेड कर रहा है 15,809 रुपये पे, यानी कि 15,809 रुपये पे ट्रेड कर रहा है निफ्टी। और वहीं जो है ये लगभग इसका ना 100 टाइम होता है, यानी कि इसकी वैल्यू है इस समय एक यूनिट की 172 रुपये। तो अगर आप इसको गुणा करें 172 इंटू 100 करेंगे तो लगभग ये आएगा 17,200 रुपये के समथिंग। तो ये जो छोटा सा एरर है ना, इसको हम ट्रैकिंग एरर बोलते हैं, यानी कि ये जो थोड़ा सा डिफरेंस रहता है इसको ट्रैकिंग एरर बोलते हैं। और निफ्टी वीज जो है ना, जो निप्पॉन इंडिया का ETF है, इसमें ट्रैकिंग एरर बहुत कम है। तो लगभग ये जो है ना इंडेक्स के सिमिलर ही काम करता है, ज़्यादा डिफरेंस इतना होता नहीं है, बहुत ही मामूली सा डिफरेंस होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इसको हम इसमें जो है कवर्ड कॉल कैसे करें। तो कवर्ड कॉल करने के लिए क्या है कि दोस्तों, इस समय आप देखेंगे थोड़ा सा हमें इसको इंडेक्स को समझना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मैं डिटेल में बता देता हूँ, थोड़ी सी डिटेल बताऊँगा इंडेक्स की कि इंडेक्स कैसे काम करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है उसमें टॉप की जो 50 कंपनियां हैं, यानी कि टॉप जो 50 कंपनियां हैं, जो टॉप मार्केट कैप वाली कंपनियां हैं, जो एक तरीके से पूरे मार्केट को, यानी कि इंडिया के मार्केट को भी रिप्रेजेंट करती हैं, वो इंडेक्स बताता है कि बाज़ार का स्थिति कैसा है इस समय। तो दोस्तों, टॉप कंपनियां हैं। अब उन कंपनियों के, यानी कि उन कंपनियों को अगर हम एक एक शेयर भी लें तो उसका प्राइस आज की डेट में कितना है, वो है जी 15,809 रुपये। ये जो है इंडेक्स की वैल्यू कहाँ से निकल रही है, जो टॉप की 50 कंपनियां हैं उनसे ये वैल्यू निकल के आ रही है। अब बात करते हैं हमें करना है कवर्ड कॉल। ये तो हमने जान लिया इंडेक्स के बारे में। तो कवर्ड कॉल करने के लिए, जैसे कि आपको पता है कि ऑप्शन और फ्यूचर में जो निफ्टी का लॉट है, तो लॉट साइज क्या है इस समय ऑप्शन और फ्यूचर में, वो है 50 का, यानी कि 50 का लॉट साइज है। तो सीधा सीधा क्या करना है कि हम क्या करेंगे, 50 इंटू अभी निफ्टी की वैल्यू क्या है, 15,809 रुपये, 15,809 रुपये। जब इसको आप इससे गुणा करेंगे तो सीधा सीधा एक फ्यूचर की पूरी वैल्यू निकल के आती है, यानी कि पूरी मिलेगा तो सस्ता, लेकिन एक जो वैल्यू है वो लगभग बैठेगी 8 लाख रुपये के समथिंग। तो मान लेते हैं लगभग 8 लाख रुपए के आसपास वैल्यू जो है ये बैठेगी। आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं तो बता ही रहा हूँ, सीधा सीधा आप मेरी बातों पे ना जाएं, आप अपना भी दिमाग लगाएं, आप अपना भी कैलकुलेशन करें। तो दोस्तों, इसकी वैल्यू लगभग 8 लाख रुपए। तो हमें करना क्या है कि हमें जो है लगभग जो है थोड़ी सी ज़्यादा, क्योंकि इसमें ETF में क्या है, हल्का सा ट्रैकिंग एरर है। तो ट्रैकिंग एरर को कवर करने के लिए इसकी वैल्यू अभी आप निकालेंगे, यानी कि 15,809 रुपये इंटू 50 करेंगे तो 7,90,000 कुछ रुपए के आसपास आएगी, लेकिन हमने राउंड फिगर में 8 लाख मान ली। ऐसे हमें क्या करना है, 8 लाख रुपए के हमें निफ्टी 20 के यूनिट खरीद लेने हैं, चाहे वो सिप करके खरीदें या किसी भी माध्यम से आप खरीदें।
तो हमें क्या करना है, 8 लाख रुपए के हमें क्या करना है, ये यूनिट खरीद देना है निफ्टी बीस का। निफ्टी बीस का यूनिट हमें कितने रुपए का खरीद देना है, 8 लाख रुपए के। तो ये जो अभी 7,90,000 रुपये है और यहाँ पे 8 लाख रुपए के जब हम यूनिट खरीदेंगे तो लगभग आप 4700 यूनिट इसके खरीद लीजिए, यानी कि 4700 यूनिट खरीद लीजिए, लगभग 8 लाख रुपए के आसपास ही बैठेंगे। आप एक्यूरेट कैलकुलेशन करके भी खरीद सकते हैं, लेकिन आपको जो वैल्यू निकल के आ रही है निफ्टी इंडेक्स की, फ्यूचर की, उससे आपको थोड़ा सा ज़्यादा खरीदना है। अब आपने ये खरीद लिया, आपके पोर्टफोलियो में पड़े हुए हैं। अब दोस्तों ये कोई ना पर्टिकुलर शेयर तो है नहीं, ये कोई पर्टिकुलर शेयर तो है नहीं कि जो है कंपनी डूब जाएगी, ये हो जाएगी। आपका जो पैसा है ना वो डाइवर्सिफाइड तरीके से इंडिया की जो सबसे लार्जेस्ट मार्केट कैप वाली टॉप 10 कंपनियाँ हैं, टॉप 50 कंपनियाँ, उनमें आपका पैसा लग रहा है। और आप देखेंगे कि अभी तो मार्केट डाउन है, लेकिन मैक्सिमम में अगर आप देखेंगे लंबे समय में, तो लंबे समय में देखिए इस ETF ने कितने बेहतरीन रिटर्न आपको जनरेट करके दिए हैं। तो आप इसमें निवेश के तौर पे भी अपना जो है वो 1 लाख रुपये रख सकते हैं, 4700 यूनिट आप खरीद के रख सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में जो है ये आपको एक अच्छा पैसा भी देगा। तो आपने वो यूनिट ऐसे सोच करिए कि आपने वो लॉन्ग टर्म के लिए रखे हुए हैं, अब आपको जो है उस पर मंथली रेंटल इनकम निकालना है। हर महीने वो पड़े हुए हैं तो आप नहीं चाहते कि वो पड़े रहें, उससे कुछ कुछ पैसा आपको निकालते रहना है। तो वो कैसे निकलेगा हम यही बात करेंगे। अब आपने क्या करा कि आपके पास 4700 यूनिट ये हो गए, तो 4700 यूनिट तो आपके पास है ही। अब 4700 यूनिट सपोज करिए, मान लेते हैं एग्जांपल है ये, आपने किसी भी प्राइस पे बाई किए होंगे, तो सपोज करिए 172 रुपये 39 पैसे पे हमने 4700 यूनिट बाई कर रखे हैं, या हमारा एवरेज प्राइस से ऊपर हो या इससे नीचे हो। अब ये हमारा 8 लाख रुपया इसमें पड़ा हुआ है, और अब हम चाहते हैं कि इससे जो है कुछ तो आए महीने में। ये ऐसे पड़ा हुआ मार्केट इस समय लगातार गिर रहा है, गिरता ही जा रहा है, और पोर्टफोलियो के वैल्यू भी माइनस में जाती जा रही है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो ETF है ना, हर ब्रोकर के पास आजकल एक फैसिलिटी है कि आप अपने जो पोर्टफोलियो में जो अभी आपका शेयर पड़ा है, बढ़िया कंपनी पड़ी है, या फिर ETF की तो बात ही अलग है, ETF तो टॉप क्वालिटी की यूनिट है, तो आप इन्हें प्लेस भी कर सकते हैं, आप इन्हें प्लेस कर सकते हैं, और वहाँ से लगभग आपको 80-90% पैसा जो है इसका मिल जाएगा। यानी कि आपके पास 1 लाख रुपए की अगर आप प्लेसिंग करेंगे तो 80-90 हज़ार रुपये आपको आराम से, 80-90 हज़ार रुपये आपको आराम से ब्रोकर जो है प्लेसिंग करके दे देगा। आप प्लेज कैसे करते हैं शेयर को, यूनिट को प्लेज कैसे करते हैं, अगर आपको ये भी जानना है तो आप मुझे कमेंट करिए, पूरा कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, मैं आपको पूरा एक डिटेल वीडियो बना के दूंगा कि आप जो है कैसे प्लेज कर सकते हैं। और अगर आपके पास पैसा एक्स्ट्रा पड़ा ही है तो फिर कोई बात ही नहीं है, आपको प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको जो पोर्टफोलियो में पड़ा रहने दीजिए। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपने किसी भी विधि से ETF को बाय कर रखा है, और लगभग आपके पास क्वांटिटी अगर 4700 रुपये की 4700 यूनिट हैं, तो अब आप क्या करेंगे, या तो आपके पास पैसा हो आप उस पैसे से कर दीजिए, या फिर जो है आप क्या करेंगे कि आप इसको कुछ यूनिट प्लेस कर दीजिए। तो इस समय जो निफ्टी का फ्यूचर है, अगर उसको बाय या सेल करें तो उसमें आपका कितना मार्जिन लगेगा, लगभग 1 लाख रुपये के आसपास आपका मार्जिन लगेगा। अगर आप कोई भी कॉल या पुट शॉर्ट करते हैं, क्योंकि शॉर्ट करने में मार्जिन ज़्यादा लगता है और बाय करने में उतना ही लगेगा, जितने का उसका प्रीमियम होगा उससे आप 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका बाय करने में उतना ही लगेगा। अब हम करेंगे क्या, पैसे को कैसे निकालेंगे। तो करना क्या है कि इस समय जो निफ्टी का प्राइस है वो है 15,809 रुपये, तो हम इससे 5% ऊपर, यानी कि हम इससे जाएंगे 5% ऊपर। तो 5% अगर हम इसका 5% निकालें तो 5% इसका कितना बैठेगा, 5% जो इसका बैठेगा दोस्तों वो बैठेगा लगभग 790 रुपये 50 पैसे, यानी कि 5% कितना बैठेगा, 790 रुपये 50 पैसे के आसपास। तो फिर कितना बैठेगा, 790 रुपये 50 पैसे। तो अगर हम इसको इसमें प्लस करें, यानी कि 15,809 और उसके बाद में 790 रुपये 50 पैसे, तो ये बैठेगा लगभग 16,599 रुपये, ये बैठेगा 16,599 रुपये।
आप भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, आपको करना क्या है 15,809 रुपये का 5% निकालना है, जो बैठेगा 790 रुपये उसको 15,809 रुपये में प्लस कर देना है, जिसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी 16,599 रुपये। तो इसको राउंड ऑफ में ले लेते हैं, राउंड ऑफ में हम कर लें तो 16,600 रुपये। तो 16,600 रुपये ये याद रखना दोस्तों, 16,600। अब हमें क्या करना है, 16,600 का एक CE यानी कि कॉल, वो भी कौन सा, मंथली कॉल। क्या करना है हमें कर देना है इसको सेल। क्या कर देना है हमें करना है इसको सेल। अब इसकी जो वैल्यू है ना मंथली, इस समय मार्केट गिरा हुआ है लेकिन फिर भी आपको 150 रुपये से लेके 200 रुपये के बीच तक की इसका जो है प्रीमियम आपको मिलेगा। और आप अगर एग्रेसिव ट्रेडर हैं, आप बहुत ध्यान रखते हैं, तो आप जो है वीकली भी शॉर्ट कर सकते हैं, आप वीकली शॉर्ट कर दीजिए। हमेशा जो है अगले मंथ तक के कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होते हैं, एक महीने में 4 एक्सपायरी होती हैं निफ्टी की, तो आप चारों एक्सपायरी में से किसी भी उन एक्सपायरी का शॉर्ट कर सकते हैं या मंथली शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन मंथली शॉर्ट करेंगे तो वहाँ पे ये फ़ायदा होगा कि आपको प्रीमियम ज़्यादा मिलेगा। तो आपने जो शॉर्ट करा यानी कि कितने रुपए में, एक आइडिया ले लेते हैं, ये आप देख सकते हैं जाके कि कितने रुपए का होगा। चलिए मैं मान लेता हूँ कि 150 रुपये प्रीमियम मिला हमें मिला 150 रुपये का प्रीमियम मंथली अगर हमने शॉर्ट करा। अब लॉट साइज कितने का है, लॉट साइज है 50 का, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अब इसकी वैल्यू होगी लगभग, इसकी वैल्यू आएगी 7500 रुपये के आसपास। हाँ 7500 रुपये इसकी वैल्यू आएगी। तो 150 इंटू करेंगे तो 7500 रुपये इसकी वैल्यू आएगी, यानी कि 7,500 रुपये। तो 7,500 रुपये आपने उस कॉल को शॉर्ट करके अंदर करें। अब क्या होगा कि अब मार्केट को इस, आपको नुकसान कब होगा कि मार्केट जो है 16,600 रुपये से ऊपर निकले, यानी कि मार्केट जाए 16,600 रुपये से ऊपर। 16,600 रुपये यानी कि 5% बढ़ना पड़ेगा जब आपको इस कॉल में लॉस होगा। और उसके बाद भी आपने 150 तो और लिए ना, ये पॉइंट 150 का प्रीमियम यहाँ पे और भी है, तो ये हो जाएगा आपका 16,750। अब आपका जो लॉस लगेगा वो 16,750 रुपये के जब ऊपर जाएगा मार्केट, तब आपको लॉस लगेगा, वो भी एक महीने में लगभग मार्केट को 5% बढ़ना होगा। ये स्थिति बहुत कम आती है, बहुत कम बार आती है, लेकिन आती भी है तो होगा क्या। अब देखिए ये 750 रुपये आपको कैसे कैसे प्राप्त हो सकते हैं, इसमें जो है इस विधि के द्वारा दोस्तों क्या होगा, अगर मार्केट रेंज बाउंड रहता है तब भी आपको 7,500 रुपये मिलेंगे। अगर मार्केट ये घूमता रहा और ये अगर 16,750 रुपये क्रॉस नहीं कर पाया, तब भी ये इसका जो प्रीमियम है वो ज़ीरो हो जाएगा, 7,750 रुपये आपको मिल जाएंगे। और अगर मार्केट नीचे जाता है तब क्या होगा, तब भी इसका प्रीमियम, अगर मार्केट हो गया डाउन तब भी इसका प्रीमियम ज़ीरो हो जाएगा, तब भी आपको ये 7,750 रुपये मिल ही जाएंगे। तो दो कंडीशन में बिल्कुल आपको भिन्न भिन्न वाली सिचुएशन है, यानी कि मार्केट अगर रेंज बाउंड रहता है तब भी आपको पैसे मिलेंगे, मार्केट जो है अगर डाउन जाता है तब भी आपको पैसे मिलेंगे। अब तीसरी कंडीशन जो है वो क्या होगी दोस्तों, तीसरी कंडीशन है कि मार्केट अगर चला जाता है ऊपर, मार्केट चला जाता है ऊपर। अब आप बोलोगे सर तब क्या होगा, अगर मार्केट ऊपर चला गया, हमने 16,600 रुपये का कॉल सेल किया हुआ है, कोई बात नहीं, 150 पॉइंट आपने उसमें लिए हैं, तो आपका जो एक्चुअल लॉस होना चालू होगा वो 16,750 से होगा। लेकिन मैं मान लेता हूँ कि चलिए आपको 16,600 रुपये के बाद ही लॉस लगना चालू हो गया, जबकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि 16,600 के बाद लॉस लगना चालू हो गया। तो हमारी जो, हमने जो कॉल सेल करी है उसमें 16,600 के बाद लॉस चालू होगा, उसके बाद भी होगा, क्योंकि इसमें टाइम डीके का फ़र्क भी पड़ता है। अगर मार्केट ने थोड़ा टाइम बिताया और टाइम डीके हुआ तो वैसे ही प्रीमियम उसका गलने लगेगा, धीरे धीरे गलने लगेगा। इसलिए आपने देखा होगा अमूमन जो है हमेशा ज़्यादातर केसेस में सेलर हमेशा जीतते हैं जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, और बायर हमेशा लॉस करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है टाइम डीके है उससे भी सेलर को प्रॉफिट है, मार्केट रेंज बाउंड हो गया फिर भी प्रॉफिट है, उनको एक ही कंडीशन में लॉस होता है,
कि मार्केट ऊपर जाएगा। अब चलिए वो कंडीशन को भी हम यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा तब क्या होगा, तो कोई बात नहीं, जो 16,600 को मार्केट पार कर गया, ऐसे मान लो यहाँ पे आपका 16,600 का जो था वो तोड़ दिया मार्केट ने, अब क्या होगा कि आपने के पास तो 4700 यूनिट पहले से ही पड़ी हुए हैं, तो सकुछ करिए कि मार्केट जो है ना 16,600 को तोड़ के ऊपर निकल गया। तो जैसा कि आपको बताया कि 4700 यूनिट तो आपके पास पहले ही है किसकी, ETF की। अब जब भैया मार्केट 16,600 जाएगा, अगर मार्केट में 5% की बढ़त आएगी तो इस पे भी तो 5% बढ़ेगा। अब आप बोलोगे कि इसमें ट्रैकिंग एरर रहता है, थोड़ा सा कम बढ़ेगा तो हमने यूनिट भी तो ज़्यादा ले रखे हैं ना। मैंने बताया कि ट्रैकिंग एरर को ख़त्म करने के लिए हमने यूनिट भी थोड़े से एक्स्ट्रा बाय किए हुए हैं, तो 5% का गेन हमें इस पे लगेगा। तो भैया आप सीधी सीधी बात मान लो, 8 लाख का 5% कितना होता है, 8 लाख का 5% कितना होगा, 40,000 रुपये। 40,000 रुपये होंगे आपके, तो 40,000 रुपये तो इधर भी बढ़ेंगे, 40,000 रुपये इधर बढ़े, और मार्केट अगर यहीं कहीं 16,600 रुपये के आसपास ही एक्सपायर हो गया, 16,600 रुपये पे भी हो गया या 16,600 के नीचे हो गया, तो 7,500 रुपये आपको ये और मिलेंगे। तो आपका टोटल प्रॉफिट कितना हो गया मंथली साहब, आपका टोटल हो गया 47,500 रुपये। तो 47,500 रुपये आप 1 मंथ में जो है बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। और मैंने बताया कि अगर आप थोड़े एग्रेसिव हैं ट्रेडिंग में के मामले में, तो आप जो है वीकली, अगले वीक की, आप जितना लंबे समय के लिए शॉर्ट करेंगे, यानी कि जितना उसका टाइम पीरियड बढ़ाएंगे, वहाँ पे आपको प्रीमियम ज़्यादा मिलेगा। और आप वीकली करेंगे तो प्रीमियम हो सकता है थोड़ा कम मिले, या उससे अगले वीक का थोड़ा कम मिले। आप 100-100 के प्रीमियम वाले कॉल देख के शॉर्ट करते रहिए 5%, क्योंकि वहाँ पर टाइम भी कम है, तो मार्केट को एकदम से 5% का मूव नहीं कर सकता, और करेगा हमें तो जब भी फ़ायदा है, क्योंकि हमारे पास तो 4700 यूनिट की होल्डिंग पहले ही पड़ी हुई है, तो हम उसे सेल कर देंगे। अब क्या करोगे आप जी, यहाँ से ये 47,000 को पूरा बेच के 47,500 का प्रॉफिट यहाँ से आप बुक भी कर सकते हैं, और नहीं भी कर सकते तो आप अपना 7,500 निकाल लीजिए, आप उसे री इन्वेस्ट कर दीजिए इसमें, नहीं करते हैं तो बाहर निकाल लीजिए, आप उसको अपने यूज़ में लीजिए, आप उसको लिक्विड वीज में डालिए, कुछ भी करिए, आपकी मर्जी है। तो दोस्तों वीडियो मैं समझता हूँ बहुत ही ज़बरदस्त था, आपकी समझ में आया होगा कि आप निफ्टी वीज में कवर्ड कॉल कैसे कर सकते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो हल्का सा भी अच्छा लगा है, आपको थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगा है, तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको क्या समझ में नहीं आया, आपको कहाँ पे दिक्कत है। लेकिन दोस्तों मैं निवेदन करना चाहूँगा अपने उन सभी दोस्तों से जो चैनल पर पहली बार आए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, बेल आइकन के घंटी को दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो आप मिस ना कर पाएं, उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। क्योंकि ऐसे ही बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो शेयर मार्केट से रिलेटेड मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ, लाता रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।